याद रहे ये वेस्ट इंडीज की वो टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को रिसेंटली 4-1 से T20 सीरीज हराई है। वेल डन पाकिस्तान, जबरदस्त मैच रहा। हमेशा की तरह बाबर आजम और रिजवान ने अच्छा स्टार्ट दिया। ये दो वो प्लेयर हैं जो आसानी से अपने विकेट नहीं देते, और रिजवान जैसे ही रन आउट हुए उसके बाद हमें नताई सामने आए। मिडल ऑर्डर हमारा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि अभी तक फखर जमान टीम में कैसे चल रहे हैं। पिछले 3 सालों में उनकी परफॉर्मेंस T20 में सिर्फ 14 की एवरेज के साथ चल रही है, और फिर भी वो स्टेबल है, अपनी टीम में जगह बनाए हुए हैं। ओडीआई की परफॉर्मेंस पे हमें फखर को T20 में नहीं रखना चाहिए। T20 में इवन PSL में भी फखर जमान हमें फेल नजर आए, सो उनका रिप्लेसमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा। और हफीज की जो एक प्राइम फॉर्म नजर आ रही थी वो भी अब नजर नहीं आ रही। मैं ये चाहता था कि रिजवान के आउट होने के बाद सोहेब मकसूद को ही भेजते, लेकिन सोहेब मकसूद को बहुत लेट भेजा। और सोहेब मकसूद अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन वो शानदार कैच पकड़ा गया बाउंड्री पे। खैर 150 इस पिच पर इनफ थे, 157 का टारगेट था और इस पिच का एवरेज रन ही 140-150 था, तो टारगेट वॉज गुड। हालांकि सोशल मीडिया पे जो एनालिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान को कि 150 इनफ नहीं है इस पिच पे, लेकिन इस पिच का एवरेज स्कोर ही 140-150 था। हालांकि पाकिस्तान ऐड कर सकता था इसमें मजीद 20 रन और एक और अच्छा टोटल दे सकता था। जवाब में वेस्ट इंडीज ने काफ़ी स्लो स्टार्ट लिया। तारीफ करनी पड़ेगी मोहम्मद हफीज़ की, उन्होंने हिस्ट्री का T20 का इकोनॉमिकल स्पेल करा दिया। और बाकी फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी नपीतुली बॉलिंग कराई, कहीं कहीं तो डर भी लगा कि वेस्ट इंडीज ये मैच ले ना जाए। और निकोलस पूरन ने क्या शानदार 50 स्कोर की 20 बॉल्स में, और लगा ऐसा था कि वो मैच वेस्ट इंडीज़ के हाथ में वापस पहुंचा देंगे, लेकिन दूसरे एंड पे किसी भी बैट्समैन ने उनका साथ नहीं दिया। करण पोलार्ड जो कि कैप्टन है और दूसरे एंड पे मौजूद रहे, आखिरी ओवर तक मौजूद रहे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। और इन दी एंड सिर्फ 7 रन से पाकिस्तान ये मैच जीता। तो जस्ट इमेजिन अगर मोहम्मद हफीज़ अपने 4 ओवर के स्पेल में 14 रन भी कंसीड कर जाते तो ये मैच वेस्ट इंडीज़ के हाथ में होता। तो वेल डन हफीज़ भाई, ये आपका पहला मैन ऑफ द मैच था जो आपको बॉलिंग परफॉर्मेंस पे दिया गया। होप सो आप हमें बैटिंग में भी अच्छा एडवांटेज देंगे, और दुआ यही है कि अब ICC आपके एक्शन को दोबारा से बैन ना करे। वर्ल्ड कप तक एटलीस्ट आपकी बॉलिंग की पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, तो मुद रिजवान और बाबर आजम मेरे ख्याल से एक परफेक्ट ओपनिंग स्टैंड में दे सकते हैं वर्ल्ड कप में भी। हमें इन्हीं को कैरी करना चाहिए, और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इजीली अपना विकेट नहीं देते, और अगर ये 10 ओवर खेल जाएं तो पीछे हमारे पास इतने पावर हिटर्स होंगे बेंच पे जो इस टारगेट को डबल कर सकते हैं। और 10 ओवर में हमेशा इनका स्टार्ट अच्छा रहा है। बगैर विकेट के अगर हमें 10 ओवर में 80 तक रन भी मिल जाएं तो आई थिंक ये वेल एंड गुड है, बेस्ट है। तो हमें इस वक्त वर्ल्ड कप से पहले पहले अपने मिड ऑर्डर को स्टेबल करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे पावर हिटर्स बेंच पे रखने चाहिए जो बाबर और रिजवान के बाद आके स्कोर को 200 तक पहुंचा सकें। सो पाकिस्तान को थोड़ा मिड ऑर्डर में अभी भी तवज्जो देनी चाहिए, और कुछ चेंजिंग ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल से फखर जमान की जगह शुएब मलिक को कम बैक ज़रूर कराना चाहिए, वो इनसे फार बेटर हैं। मैं फखर जमान की T20 की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी मुतमाइन नहीं हूँ। खैर होप फॉर दी बेस्ट, अभी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अगला मैच आज ही है, तो पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक। अब ये 3 मैचेस की सीरीज रह चुकी है, तो पाकिस्तान को आज का मैच जीतना हर हाल में ज़रूरी है ताकि तीसरे मैच की नौबत ना आए, और पाकिस्तान आज ही ये सीरीज अपने नाम कर रहे। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुल्तान TV को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।